मौसम के बदलाव के कारण लगातार दूसरे दिन भी धूप नहीं निकली। दिन भर कोहरा छाया रहा। सर्द हवाओं और कोहरे के कारण लोगों के दिन की शुरुआत ही बिगड़ी हुई दिनचर्या से हुई। दोपहर तक बाजार में कम लोग ही दिखाई दिए। शाम को ही बाजार में सन्नाटा रहा। घने कोहरे के साथ बुधवार को भी दिन की शुरुआत हुई। पूरे दिन मंगलवार को सूर्य देवता नजर नहीं आए। धुनी लगा ले थे वो 12 बजे तक तापत रहे थे और अपने बैठे रहे थे काम धाम कछु और ठंड के मारे। अरे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। बर्फ पड़ रहा है वो उड़ रहा है वो गिर रहा है ना। बारह नगर में बस की नहीं रहते है हेमत ही नहीं पड़ते है। मसूर को नुकसान है वो चनों को भी नुकसान है और थोड़ो थोड़ो पीसी को भी जनक आ जाते है। तो अभी क्या दिक्कत हो रही है? कोहरा की किले में बंद माने लिफ्ट चल रही है। अच्छा तो इनको ले जा रहे थे आप है ना दवाई के लिए? सुबह से ही आसमानों में कोहरा छा गया था। दिन भर सर्द हवाओं के चलते लोग पूरे दिन कांपते रहे और गुलाबी ठंड होने के साथ साथ जगह जगह अलाओं पर लोगों की भीड़ नजर आई। खाने खोरे के कारण रेल यातायात ट्रेन 1 घंटे देरी से चली और सड़क यातायात पर वाहनों की गति धीमी हो गई। इस घने कोहरे से चना मसूर की फसलों का असर पड़ सकता है। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। मौसम के बदलाव के कारण लोग अलावों को तापते रहे। वहीं स्टेशन परिसर भी ठंड मिटाने के लिए घास फूस एकत्रित कर गई जगह रेल यात्रियों ने भी अलावा जलाकर ठंड को दूर किया। कोहरे की वजह से बाजार में भी ग्राहकों की भीड़ कम रही।